हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सभी भाइयों को राम राम। तो आज की जो वीडियो है वो है KTM RC 125 की सेकंड सर्विस। तो अभी तक तो वैसे 7-8 हज़ार किलोमीटर तो हो ही नहीं है, लेकिन जल्दी करवाने का रीज़न ये है कि फर्स्ट सर्विस में मैंने यूज़ किया था बजाज वाला सिंथेटिक इंजन ऑयल। और एक बार जब मैं शोरूम में गया हुआ था तो एक भाई ने भी वही डलवा रखा था, और उसने जस्ट 1500 जो अपने कवर किए थे, लेकिन उस डिस्टेंस के अंदर ही उसका इंजन इतना काला हो गया था ना, मतलब। तो मैंने सोचा यार क्यों इतना रिस्क लिया। तो मैंने भी 2500 चला ली थी, मैं चेंज ही करवा लेते हैं। तो इस सर्विस में मैंने सोच रखा है कि डलवाऊंगा मोटिल वाला इंजन ऑयल। तो अभी तक तो वैसे कोई इतनी मेनली कोई दिक्कत नहीं आई है बाइक में। जो पहले फर्स्ट सर्विस पे गियर अटकते थे वो प्रॉब्लम भी जब सॉल्व हो गई है, और वैसे तो कोई नई प्रॉब्लम है नहीं। तो कई भाई जो पिछली वीडियो में कह रहे थे फ्लैशर वाले की डे टाइम में बनाओ, तो मैंने डे टाइम में भी अपनी बाइक में फ्लैशर लगवाया है, उसमें भी वीडियो बना रखी है मैंने। तो आप बता देना, या तो मैं किसी वीडियो के अंदर ही उस क्लिप को इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि 2-3 मिनट की एक वीडियो है, या फिर आप कह दो तो सेपरेटली अपलोड कर दो तो मैं वो भी कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बता देना सेपरेट करनी है या फिर किसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करनी है। तो करते हैं सर्विस की वीडियो को स्टार्ट। तो जो सेकंड सर्विस की कॉस्टिंग आई है वो है 1561 रुपीज़। तो इसमें डला है मोटिल का इंजन ऑयल,
और पूरी जो मेंटेनेंस किट आती है KTM की वो डली, जिसमें एयर फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो आता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।